आज हम गोदरेज गोल्फ लिंक प्रोजेक्ट जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में बन रहा है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम अपने सफ़र की शुरुआत डीएनडी टोल प्लाजा से शुरुआत कर रहे हैं। डीएनडी टोल प्लाजा इस प्रोजेक्ट से 32 किलोमीटर की दूरी पे है और सेक्टर 18 केवल 27 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रोजेक्ट कैनॉट प्लेस से 43 किलोमीटर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 42 और आईजीआई एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। डीएनडी टोल प्लाजा से हम आगे चलते हुए लेफ्ट लेते हुए नीचे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चलते हुए जाएंगे और आगे चलते हुए आप फिल्म सिटी और सेक्टर 18 के सर्कल्स को छोड़ते हुए महामाया फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए आगे चले जाएंगे। सड़क के अलावा आप चाहें तो मेट्रो से भी इस प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसके के लिए आपको एक्वा लाइन लेनी पड़ेगी और एक्वा लाइन आपका नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए ग्रेटर नोएडा में एंटर करते हुए डेल्टा स्टेशन तक पहुंचेगी, जहां पे कि आप उतर के इस प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सारे प्रीमियम रेजिडेंशियल सेक्टर्स और साथ में कमर्शियल सेक्टर्स हैं, जहां पे कि काफ़ी सारी एमएनसी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। नोएडा सेक्टर 150 को क्रॉस करने के बाद जब आप ग्रेटर नोएडा में एंटर करेंगे तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे के लिए लेफ्ट से सड़क जाएगी, पर आप बिल्कुल सीधा आगे चलते हुए जाएंगे जहां पे कि आपको नॉलेज पार्क दिखाई देगा, जहां पे कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। इसी पे आगे चलते हुए जाएंगे तो आपको अपने लेफ्ट पे पहला मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा का जो कि नॉलेज पार्क का है वो दिखाई देगा और उसी के पास में आपका अंसल प्लाजा भी है। आगे चलते हुए परी चौक पे पहुंचने के बाद आप राइट लेंगे और राइट लेके आगे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा और लेफ़्ट लेके आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहीं पे आपको सेक्टर 27 में गोदरेज गोल्फ लिंक्स प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा। गोदरेज गोल्फ लिंक्स प्रोजेक्ट जेपी ग्रीन्स के बिल्कुल सामने हैं और काफ़ी ईजिली ट्रैक हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो काफ़ी प्राइम लोकेशन है, जहाँ के आसपास का एरिया पूरा डेवलप्ड है, साथ ही में आसपास में स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। इवन ये एरिया यमुना एक्सप्रेसवे के भी काफ़ी नज़दीक है और यमुना एक्सप्रेसवे आपको जेवर एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ के लिए लेके जाता है। प्लस यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बनी हुई हैं और काफ़ी सारी एमएनसी कंपनीज और अपने ऑफिसेज खोल रही हैं, जिसकी वजह से चाहे एक एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव से है चाहे एक बिजनेस परस्पेक्टिव से है तो ये एरिया काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंस गेन कर लेता है।